तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंट्राडे के बारे में सारा चीज डिटेल में बताने वाला हूँ कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिससे हम ज्यादा प्रॉफिट कर सके। मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल इंट्राडे ट्रेडिंग करके बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम पहले ट्रेड लेकर आपको एक बता देते हैं। दोस्तों आप यहां से सर्च कर भी कोई भी कंपनी में से ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यहां पे भी बहुत सारा शेयर्स दिखाई दे रहे होंगे। चलिए दोस्तों हमको यस बैंक में हम ट्रेड लेने वाले हैं, तो हम यस बैंक पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे एक सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक बाय का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आज हम इंट्राडे में ट्रेड लेने वाले हैं। तो इंट्राडे में क्या होता है कि हम एक ही दिन में खरीद सकते हैं और एक ही दिन में हमको बेचना होता है। अगर हम डिलीवरी यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक दिन से ज़्यादा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में हम एक दिन से ज़्यादा खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अगर हम करेंगे तो हमको एक ही दिन में खरीदना है और बेचना है। तो हम आज इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस शेयर का दाम घटेगा तो आप यहाँ पे पहले सेल कर फिर बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका दाम बढ़ेगा तो आप पहले बाय कर फिर इसे सेल कर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आज इसका शेयर का दाम बढ़ेगा, तो आज हम यहाँ पे पहले बाय करेंगे और बाय कर फिर इसे सेल कर देंगे। अगर हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करता है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग धीरे धीरे अच्छे से सीखना है। यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको यहाँ पे पहले सीखना है डायरेक्ट ट्रेडिंग, ज़्यादा पैसा का नहीं लगाना है यहाँ पे आपको, या फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कर सीख सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा शुरू में लॉस नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसे ही आज एक करके बता दे रहा हूँ, हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है, हम भी कोई ट्रेडिंग में अभी एक्सपर्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिलीवरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि आप यहाँ से एक दिन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपको उसके बगल में एक इंट्राडे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले यहाँ पे क्वांटिटी डालना है कि आपको यहाँ पे कितना ट्रेड लेना है, और यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस यानी कि आप कितने प्राइस में इसे बाय करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे अपना प्राइस लिमिट भी सेट कर सकते हैं, यानी कि इसका दाम घटेगा तो ऑटोमेटिक ये बाय हो जाएगा, और यहाँ पे आप टारगेट सेट कर देंगे तो इसका दाम अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम प्राइस लिमिट सेट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, यानी कि इसका दाम ज़्यादा अगर घटने लगेगा, लॉस में जाने लगेगा ये शेयर, तो ऑटोमेटिक ग्रोएप वो शेयर को बेच देगा, जिससे आपको ज़्यादा घाटा यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, तो इसलिए आज हम यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। तो आपको एड स्टॉप लॉस पे क्लिक कर देना है, और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। दोस्तों आपको एक चीज बताना यहाँ पे भूल गए, आपको दोस्तों यहाँ पे 5x का मार्जिन मिलता है, यानी कि आपका पैसा यहाँ पे 5x बढ़ जाता है। आपको यहाँ पे 5 गुना के हिसाब से प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे सारा कुछ सेट कर लिए हैं, आप बाय पर क्लिक कर देते हैं और डन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों हमने अपना ऑर्डर ले लिया है, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इस ट्रेड पर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं, आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पोजीशन दिखाई दे रहा है, अभी तो हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे पहले ही एग्जिट ले लिया, ना हमें प्रॉफिट हुआ है ना हमें लॉस हुआ है। हम आपको बस आपको दिखाने के लिए ये ट्रेड लिए हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा था, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे जल्दी ही एग्जिट हो गए। दोस्तों आप देख सकते हैं इस ट्रेड को हमने 25 रुपया 20 पैसे पर खरीदा था और इसे 25 रुपया 20 पैसे पर ही बेच दिया, यानी कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बिल्कुल इक्वल है। दोस्तों ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे पहला ट्रेड लेकर बताया कि हम ग्रुप में अपना पहला ट्रेड कैसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।